कोटा पुलिस के हत्या चढ़े अपराधी असलम शेर खान चिंटू को आज कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बीती रात गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने असलम चिंटू से पूछताछ की तो पता चला कि वो कोटा से निकलने के बाद झालावाड़ होते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र पहुंचा, जहां उसने पुलिस के डर से कई ठिकाने बदले। पुलिस पीछे पीछे थी तो वो आगे आगे, आखिरकार वो पकड़ा ही गया। रेंज आईजी रविदत्त गौड़ ने कहा कि असलम चिंटू को गिरफ्तार करने के सुप्रीम कोर्ट से आदेश निकलने और 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित होने के बाद से शहर पुलिस कई टीमें पिछले 10 दिन से चिंटू की तलाश कर रही थी। पुलिस की तरफ से असलम चिंटू पर दबाव बनाने के लिए दोस्तों, रिश्तेदारों और परिजनों सहित उसके साथी अपराधियों से कड़ी पूछताछ की जा रही थी और प्रशासन ने असलम चिंटू का अवैध तरीके से बने मकान को भी तोड़ा तो वो सभी तरफ से घिरता नजर आया। ऐसे में उसने वापस झालावाड़ का रुख किया और वह दरा के पास से पकड़ा गया। हाँ, ये सही है कि इस पे प्रेशर इतना माउंट किया था और चारों तरफ से इसको घेर लिया था एक तरह से, इसके रिश्तेदारों से, इसके परिजनों से, इसके संगी साथी जो भी इसके साथ केसवार थे, जो इसके साथ जेल में बंद रहे थे, सभी लोगों से पूछताछ कर रहे थे। और हाल ही में ये पता लगा था कि इसका एक 4 मंजिल का हाउस है जो इसने अवैध रूप से निर्माण कंस्ट्रक्शन किया हुआ, उस पर उसको तोड़ने की कार्रवाई भी IT से शुरू की थी। तो कुछ प्रेशर में था ये, भागते भागते हो सकता है खुद भी थक चुका हो। अल्टीमेटली ये लोग इस तरह से सरेंडर तो नहीं करते जब तक प्रेशर माउंट नहीं होता है। उसी प्रेशर के सिलसिले में ये भाग के यहाँ झालावाड़ आया था, क्योंकि हमने प्रेशर जब दिल्ली से बढ़ाया तो इसने MP में शरण ली, MP से प्रेशर बढ़ाया तो फिर इसने झालावाड़ में आकर के शरण ली। झालावाड़ आने के बाद में इसके बारे में हमें पुख्ता सबूत मिलने लगे थे इसकी मौजूदगी के बारे में। शुद्ध रूप से कोटा पुलिस की ये काम है? हाँ, निश्चित रूप से कोटा पुलिस पिछले 10 दिन से टोटली इसी काम में लगी हुई थी। सारे SHO, सारे CO सभी को श्रेय जाता है इस बात का कि उन्होंने एकजुट होकर के और SP विकास पाठक के नेतृत्व में, प्रवीण जैन की सुपरविजन में बहुत अच्छी कार्रवाई की है इन्होंने, जो वास्तव में तारीफ का मिला। टीम के कुछ सदस्यों को जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया उन्हें पुलिस मुख्यालय उनके लिए लिखा जाएगा, और शेष टीमों को जिनकी भूमिका रही है परंतु अग्रणी भूमिका नहीं रही है उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा यहाँ के स्तर पर। हाँ, कोटा पुलिस के दिल्ली से प्रेशर आया तो इसने MP में अपना ठिकाना बदला, MP पर प्रेशर लगाते हुए झालावाड़ की तरफ आया, क्योंकि हमने इसके जितने भी रसूखदार थे, चाहे इसके दोस्त हो, मित्र हो, परिजनों, सभी जगह हमने अपने आदमी तैनात कर दिए थे। एक तरह से पूरी कोटा शहर की पुलिस एक ही काम में लगी थी पिछले 10 दिन से। तो जैसे जैसे प्रेशर माउंट होता गया फिर अल्टीमेटली से झालावाड़ में आकर के शरण ली। हो सकता है इसने अपने संगी साथियों को किसी को कहा हो कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, लेकिन पुलिस तक इसने ऐसी कोई बात नहीं पहुँचाई थी। भवानी मंडी में आने के बाद में इसकी पुख्ता जानकारी मिली कि भवानी मंडी तक आ चुका है, उसके बाद में हमने इधर प्रेशर बढ़ाया तो ये दरा के पास में अरेस्ट हुआ था। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhabar.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।